हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज एक नए टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है दोस्तों बिटकॉइंस, ठीक है ना। अभी आपने हाल ही में सुना होगा रैनसमवेयर अटैक के बारे में। मैंने वीडियो बना के डाला हुआ रैनसमवेयर अटैक के ऊपर, आप उसको देखिए। अब फिर आपको पता चलेगा कि बिटकॉइंस क्या है, ठीक है। वहाँ पे बिटकॉइंस क्या था, मैं आपको थोड़े से नॉलेज देता हूँ, जानकारी देता हूँ इसके बारे में। बिटकॉइंस के बारे में क्या था दोस्तों, कि जब रैनसमवेयर अटैक करता है ना, तो रैनसमवेयर में होता क्या है कि कंप्यूटर को अगवा कर लेते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो कंप्यूटर को अगवा कर लेते हैं, ठीक है। और एक फिरौती मांगते हैं, और फिरौती के रूप में जो उनको रकम चाहिए होती है वो किस में चाहिए होती है, बिटकॉइंस के रूप में चाहिए होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस बिटकॉइन के बारे में जानना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रैनसमवेयर अटैक था, इसमें जो वायरस था उस वायरस का नाम था वनाक्राई, ठीक है, वनाक्राई 2.0, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा कि लगभग 150 से ज़्यादा देश इससे अफेक्टेड थे, और 2 से 2.5 लाख कंप्यूटर भी इससे अफेक्टेड थे, ठीक है। तो जो लोग इसके दायरे में थे, जो अफेक्टेड थे, उनसे बिटकॉइंस के रूप में मांग की गई $300 की, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि बिटकॉइंस क्या होता है, इसके मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है, और अलग अलग देशों की इस पर क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, ये सब हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। तो आइए जानते हैं पहले बिटकॉइंस क्या चीज़ है, ठीक है। तो बिटकॉइन दुनिया का पहला ओपन पेमेंट नेटवर्क है। क्या है? एक ओपन पेमेंट नेटवर्क है। ओपन पेमेंट नेटवर्क मीन्स क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि आपको दुनिया की किसी भी देश में अगर किसी भी तरह का पेमेंट करना है तो ओपनली, मतलब ये ओपन तरीके से चलेगा और खुले रूप से चलेगा, और बड़ी आसानी के साथ आपका पेमेंट हो जाएगा। आगे हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं कैसे ओपनली पेमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो इससे बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज होता है और बहुत ही कुशल है। इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो एक ओपन पेमेंट नेटवर्क है। नॉर्मली अभी जैसे पेटीएम लोग यूज़ करते हैं तो ओपन पेमेंट नेटवर्क नहीं है, क्योंकि हम अदर कंट्री में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हम अपने देश में इसका यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट है, ठीक है, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, अलग अलग वॉलेट हैं बहुत सारे, एयरटेल ने भी वॉलेट निकाला हुआ है। तो ये जो बिटकॉइन से, ये भी एक वॉलेट के रूप में काम करता है, लेकिन यह क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड यानी ग्लोबली चलता है, ठीक है। तो ये देखते हैं होता क्या है। ये बिटकॉइंस की बात करते हैं तो बिटकॉइंस एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है, एक वर्चुअल करेंसी है। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। अभी आगे हम बताएंगे आपको क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ होती है। देखिए, आजकल जो ब्लैक मनी चल रही है, हवाला का बिजनेस चल रहा है, जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, उसमें इस बिटकॉइंस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से बिटकॉइंस का है आजकल सुर्खियों में। इसके बढ़ते इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी। दुनिया में जो भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनकी नींद गायब हो गई है। और हमारे देश की अगर बात करें, जैसे RBI हो गया या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसको किसी भी तरह की कानूनी मान्यता नहीं दी है, मतलब ये कानूनी दायरे से बाहर है, ठीक है, यानी ये अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। मैं पर्सनली इसकी तुलना हवाला से करूँगा, क्योंकि जिस तरह से हवाला का बिजनेस चलता है, ठीक उसी तरह से बिटकॉइंस का बिजनेस होता है। हवाला में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन बिटकॉइन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत माना जा रहा है। इसलिए उद्योग बिजनेस के फील्ड में ज़्यादातर लोग बिटकॉइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं डिटेल से कि बिटकॉइन क्या चीज़ है, कैसे बनता है बिटकॉइन, क्या है। तो बिटकॉइन एक नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और एक वर्चुअल करेंसी है। इसका इस्तेमाल ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जाता है। मैंने बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड आपको किसी को भी पेमेंट करना है तो आप ग्लोबली इससे पेमेंट कर सकते हैं किसी भी देश में, ठीक है। इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है इंक्रिप्शन से, ठीक है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी का जो जन्म हुआ है किससे हुआ है? इंक्रिप्शन से, ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी डेटा को के फॉर्मेट को चेंज कर देना, ठीक है, और चेंज करके एक स्पेशल कोड को जनरेट करना। यानी जैसे ही स्पेशल कोड जनरेट होता है, हमें मान लेते हैं कि डेटा क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया, और डेटा इस फॉर्म में इनक्रिप्ट हो जाता है कि उस कोड को तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बिटकॉइन देखते हैं, बिटकॉइन कोई हार्ड करेंसी नहीं है। जैसे नोट होता है ना, आपके हाथ में 500, 1000, 2000 की नोट है, तो उसी तरह बिटकॉइन कोई हार्ड करेंसी नहीं है, यह एक सॉफ्ट करेंसी है, ठीक है। यह सॉफ्ट करेंसी है, यह कंप्यूटर में ही पाई जाती है, आपको हार्डली रूप से आपके हाथ में नहीं होगी, ठीक है, और यह कंप्यूटर से ही जनरेट होती है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे जनरेट होगी, बहुत डिटेल्स इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए तो बिटकॉइंस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बातें, कि क्या इतिहास रहा है बिटकॉइंस का। तो
इसको सबसे पहले 2008-09 में सतोशी नाकामोतो नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने डेवलप किया। ठीक है, कौन सा नाम तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सतोशी। ठीक है ना, सतोशी नाकामोतो, संतोशी होता है ना, संतोशी मत याद करिए आप, सतोशी याद करिए, सतोशी नाकामोतो नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इसको डेवलप किया। इसके पहले भी बिटकॉइन जो 1998 में आ गया था, ठीक है, 1998 में बिटकॉइन के ऊपर रिसर्च चालू हो गया था, यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन 2008-09 में दुनिया के सामने आता है। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए इस मुद्रा को बिना किसी मध्यस्थता के ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, आपको यहाँ से अमेरिका पैसा भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? कोई ना कोई मीडिएटर तो आपको चाहिए चाहिए, चाहे वो पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, कोई दलाल हो, ब्रोकर हो, और चाहे वो कोई बैंक हो, मतलब कोई ना कोई मीडिएटर तो आपको चाहिए। बिना मीडिएटर के पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन जो है ये आपको मुद्रा का हस्तांतरण करता है, वो भी बिना मध्यस्थता के, बिना मीडिएटर के आपका पैसा अमेरिका तक पहुँच जाएगा। उसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होगा, कोई ब्रोकर नहीं होगा, कोई बैंक नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका स्कोप है, ठीक है, कितने बड़े रूप में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इस करेंसी को डिजिटल वॉलेट में भी रखा जा सकता है। जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है ना, उसमें आप अपने पैसे रखते हो, उसी तरह इसका भी डिजिटल वॉलेट होता है, इसमें आप अपने बिटकॉइंस को रख सकते हैं। जिस तरह से रुपया, यूरो, ये सब खरीदे जाते हैं, ठीक उसी तरह से बिटकॉइंस को भी परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है, और बिटकॉइंस को खरीदा भी जाता है, बिटकॉइंस को बेचा भी जाता है। तो इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन भुगतान है, अगर आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन से आप कुछ परचेज कर रहे हो, तो वहाँ भी आप बिटकॉइन के रूप में पेमेंट कर सकते हो। मतलब बहुत बड़े रूप में ये मुद्रा चल रही है, और ये किसी स्पेसिफिक देश ने नहीं चलाया है, किसी स्पेसिफिक बैंक ने नहीं चलाया है, ये बिटकॉइंस यूजर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, प्लेस नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये यूजर्स खुद इसे जनरेट करते हैं, खुद बिटकॉइंस बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो अभी आगे आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में आपको समझाता हूँ। इसके अलावा यह पारंपरिक मुद्राओं के रूप में भी बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 बिटकॉइन है, आपने दे दिया, उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, तो आपका चेंज हो गया ना, फाइनली रुपया क्या हो गया, आपके पारंपरिक मुद्रा में चेंज हो गया। ठीक है, आइए इस ग्राफ के मदद से हम लोग थोड़ा सा अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ग्राफ क्या कहता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे एक सामान्य यूजर है, मान लीजिए इंडिया में, और इसको किसी भी हाल में पेमेंट करना है, एक यूजर है जो यूएसए का है, ठीक है, तो इसको पेमेंट करना है यूएसए वाले को। तो अब देखिए कोई मीडिएटर तो है नहीं, तो ये आदमी क्या करता है, ये आदमी इंडिया का आदमी क्या करता है, कंप्यूटर के से बिटकॉइंस को जनरेट करता है। ठीक है, जनरेट कैसा होगा, तो देखिए जनरेट करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, यानी पावरफुल कंप्यूटर या पावरफुल सीपीयू के माध्यम से ये बिटकॉइंस जनरेट होते हैं। ठीक है, कैसे जनरेट होते हैं ये अभी आगे और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए। तो मान लीजिए बिटकॉइंस हमारा जनरेट हो गया, तो बिटकॉइंस जनरेट जैसे होता है, तो ये रुपया क्या हो जाता है, बिटकॉइंस जहाँ से जनरेट हुआ उसके वॉलेट में चला जाता है, और वहाँ से बिटकॉइंस आपको मिल जाता है। यही बिटकॉइंस जो मिलता है आपको, ये एक कोड के रूप में मिलता है, ठीक है, और वो जो कोड होता है आप सेंड कर देते हो किसे, इस यूजर को। वो कोड आपका जो होता है स्पेसिफिक कोड होता है, स्पेशल कोड होता है, इसको मैंने बताया था कि इनक्रिप्ट करके बनता है, यहीं से इनक्रिप्ट करके बनता है। ठीक है, तो वो कोड जो है इसको भेज देते हैं आप, और ये क्या करता है, बिटकॉइंस को फिर सेल करके ये पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके प्राप्त कर लेता है। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मिल जाता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों हलाला का भी बिजनेस होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि एक यूजर होता है जो 10 रुपये की नोट या 50 रुपये की नोट के ऊपर जो कोड लिखा होता है उसे दूसरे देश में भेज देता है, वो नोट जो व्यक्ति भी दिखाता है उसको पैसा मिल जाता है, लेकिन वहाँ मीडिएटर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि बिना आपका नोट उस देश में पहुँचना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, तभी आप पेमेंट पा सकते हो। यहाँ पर ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, आप उस कोड को इनको दे देंगे, जिसके पास कोड रहेगा उसको, उसके पास अपनी खुद की एक पर्सनल हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, इसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, तभी वो पैसा निकाल सकता है। मतलब अगर कोड, पहली बात तो बीच में कोई दूसरा ले नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, चुरा लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और जैसे ही इसको मिलता है कोड, यह क्या कर लेता है, पैसा कन्वर्ट कर लेता है। तो देख रहे होंगे आप किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, इसी सिस्टम को दोस्तों बोलते हैं ब्लॉक चेन मेथड। ठीक है, तो बिटकॉइन का जो ये सिस्टम है पूरा का पूरा, ये ब्लॉक चेन मेथड का उपयोग करता है, इसी को पूरा ब्लॉक, ये देख रहे हैं ना, एक चेन बन रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक चेन हो गया, तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक चेन मेथड, और ये चेन कुछ ही दूरी तक ट्रैक किया जा सकता है। देखिए लोग होता है, अभी ये बात आती है कि क्या हम बिटकॉइंस को ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं ट्रैक कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आप बिटकॉइन को ट्रैक
नहीं कर सकते। कुछ दूरी तक हो सकता है आप ट्रैक कर लो, लेकिन उसके बाद जैसे ही यह चेन एक डार्क वेब से गुजरता है फिर उसके बाद उसको ब्राउज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ देखिए जो और इसके और कुछ भी फायदे हैं, जैसे जो इंडिया वाला यूजर था ना, जब वो जनरेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर से जनरेट करता है बिटकॉइन, तो उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव ही नहीं होती, मांगी ही नहीं जाती। तो जब किसी यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी ही नहीं जाएगी तो आप ट्रेस करके पकड़ भी लेंगे अगर कि ट्रांजेक्शन हुआ है किसी जगह से, किसी आईपी एड्रेस से, तो फिर आपको कोई फ़ायदा भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जिस आदमी ने ये काम किया है उसका तो पर्सनल आईडी कुछ मांगा ही नहीं गया, तो फिर आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि बिटकॉइंस जनरेट कैसे होता है। मैंने आपको पीछे बताया कि बिटकॉइंस को हम लोग जनरेट करना सीखेंगे, कैसे जनरेट होता है। तो देखिए, मान लीजिए एक पावरफुल कंप्यूटर है, इस पावरफुल कंप्यूटर का जो सीपीयू हो दोस्तों, ये सीपीयू जो है डेटा को इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, और एक न्यू डेटा जनरेट करता है, ठीक है। और यही जो न्यू डेटा होता है यही क्या होता है, बिटकॉइंस होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लो मैंने लिखा हेलो डेविड हाउ आर यू, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा हेलो डेविड हाउ आर यू, और इसको इनक्रिप्ट करना है। तो कंप्यूटर इसको इनक्रिप्ट करके, जैसे देखिए मैंने एक कोड बनाया है ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। तो कोई आदमी अगर इस कोड को पा भी जाता है तो ये उसके किस काम का, उसको समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है। और इस कोड को इनक्रिप्ट जिस आदमी ने किया है, जब एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर जाता है तो वहीं ये चेंज हो पाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये कोड किसी के किसी काम का नहीं है। और यही जो न्यू डेटा शो हो रहा है यही क्या होता है, बिट क्वाइंस होता है। लेकिन यार दोस्तों, बहुत टफ प्रोसीजर से बनता है, बहुत पावरफुल सीपीयू इसके लिए होना चाहिए इनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। थोड़ी सी और व्याख्या करते हैं। तो बिटकॉइन की व्याख्या से तो यह स्पष्ट हो गया कि यह ट्रेस कर पाना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए फिरौती में बिटकॉइंस की मांग की जाती है। तो इसीलिए अभी आपने रैनसमवेयर अटैक में सुना कि जो फिरौती वाले लोग थे वो क्या मांगे थे, बिटकॉइंस की मांग किए थे, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, करंट के मुद्दे पर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, विप्रो कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विप्रो कंपनी को रासायनिक हमले की धमकी मिली और उस धमकी में 500 करोड़ की फिरौती मांगी गई, और उस फिरौती में भी जो पैसा मांगा गया वो बिटकॉइंस के रूप में मांगा गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो साइबर हमले हो रहे हैं इसमें जो भी फिरौती होगी इसमें बिटकॉइंस ही मांगे जा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बिटकॉइंस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यह वन वे सोर्स है, ठीक है, इसको एक जगह से ट्रैक नहीं किया सकता, और ठीक है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। अब आती बात कि बिटकॉइंस का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, एक बिटकॉइंस कितने रुपये का होगा, ये निर्धारण कैसे होगा, ठीक है। तो ये निर्धारण होता है दोस्तों मांग और पूर्ति से, ठीक है, डिमांड और सप्लाई से। देखिए, अगर मार्केट में किसी भी सामान की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, अगर मार्केट में किसी भी सामान की डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि अब डिमांड जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और डिमांड तो बढ़ा लेकिन सप्लाई उस अनुरूप में नहीं बढ़ पाई, उतनी तेज़ी से सप्लाई नहीं दे पाए। मान लीजिए डिमांड है मार्केट में 100 बिटकॉइंस की, ठीक है, 100 बिटकॉइंस की, लेकिन मार्केट में 50 बिटकॉइंस ही उपलब्ध हैं, ठीक है, 50 बिटकॉइंस, तो यहाँ पे मार्केट में शार्टेज हो गया तो ये बिटकॉइंस का जो दाम होगा वो महंगा हो जाएगा, उसकी प्राइस जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बिटकॉइंस इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है, बिटकॉइंस के जो मूल्य हैं बहुत तेज़ी से घटते और बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कैसे घटते बढ़ते हैं, तो क्या बताएंगे, मांग और पूर्ति के हिसाब से। अगर डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई भी उस अनुरूप में बढ़ गया तो ठीक है, अगर सप्लाई उस अनुरूप में नहीं बढ़ पाया तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी। और सप्लाई ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 100 बिटकॉइंस की मांग थी, मार्केट में 200 बिटकॉइंस आ गया, तो बहुत ज़्यादा है, हेलाहेल है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगी, बिटकॉइंस की कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करते हैं यहीं पे प्राइस जनरेट होती है, ठीक है। तो यही बिटकॉइंस का मूल्य का निर्धारण होता है, ठीक है। आइए थोड़ी सी चीज़ें और देखते हैं आपके साथ। बिटकॉइंस की लोकप्रियता के क्या कारण हैं, क्यों बिटकॉइंस लोगों को भा रहा है, क्यों लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत है, ठीक है, इसलिए पसंद आ रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी नकल नहीं की जा सकती है, ठीक है, ये भी इसका एक बड़ा फ़ायदा है। इससे ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होता है और समय की भी बचत होती है। देखिए, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में कोई पेमेंट करते हैं तो हमें अगर किसी बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो जो पेमेंट होता है वो अन्य देशों में जाने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर, लेकिन इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम है, आपके पेमेंट करने के 10 मिनट तक वो सर्वर पे चढ़ता है, ऐड होता है। जब वो सर्वर पे ऐड हो जाता है उसके बाद तुरंत, मतलब समझ लीजिए कि 10 सेकंड के अंदर आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं समय की बचत होती है, ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से होते हैं, तो इसलिए बिटकॉइंस लोगों के बीच में ज्यादा फेमस हो रहा है।
और देखिए, हमारे देश में आरबीआई ने चेतावनी भी दी लोगों को कि आप बिटकॉइंस मत खरीदिए, यह एक अवैध है। अगर आप बिटकॉइंस को खरीदते पाए गए तो आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग केस चलेगा। इतना चेतावनी देने के बावजूद भी भारत में प्रतिदिन 2500 से ज़्यादा लोग बिटकॉइंस में पैसा लगा रहे हैं, 2500 से ज़्यादा लोग, और इनकी संख्या, डाउनलोडिंग की संख्या लगभग 500,000 तक पहुँच गई है। तो बिटकॉइंस दोस्तों होता क्या है कि आप एक पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे बिटकॉइंस का, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया, वहाँ से फिर इनक्रिप्ट होता रहता है, फिर जितना पैसा इसको भेजना है वहाँ आप सेंड कर दो नाम डाल के। जिसके पास वो आपका कोड गया रहा होगा वही व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन कब, जब दोनों लोग का डिजिटल सिग्नेचर मैच करेगा, जो अपना अपना सिग्नेचर वो मैच करेगा तभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर मैं बीच में कहूँ कि अगर बिटकॉइंस रास्ते में खो गया तो उसे कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है, वो मतलब कोई नुकसानदायक नहीं, उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जिस व्यक्ति का बिटकॉइन खोया उसका नुकसान होगा, अब वो कन्वर्ट भी नहीं करा सकता क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए आगे बात करते हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ब्लॉकचेन जो होता है, तो मैंने बताया दोस्तों कि जो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन होते हैं यही ब्लॉकचेन होते हैं, ठीक है। तो इनका लेजर मेंटेन किया जाता है, ठीक उस तरह से जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में अगर खाता खुलाते हैं तो वहाँ पासबुक होता है, आपके हर ट्रांजैक्शन का एंट्री होती है पासबुक पे, ठीक उसी तरह से ब्लॉकचेन की भी एंट्री कहाँ पे होती है, लेजर में होती है। तो देखिए, एक ही समय पर दुनिया में बहुत सारे लोग बिटकॉइंस को खरीदते और बेचते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप में। तो ऐसे में यूजर को वॉलेट की सुविधा भी मिली हुई है, ठीक है, और जब वॉलेट की सुविधा मिली है तो उसका लेजर भी मेंटेन करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, यही जो लेजर मेंटेन होता है, ये लेजर मेंटेन किस तरह से होता है, जैसे पासबुक का लेजर मेंटेन होता है, ठीक उसकी तरह से होता है, ठीक है ना। यह सभी कार्य इनक्रिप्ट करके ही होता है, और यहीं पर जन्म होता है बिटकॉइंस माइनिंग का। किसका जन्म होता है दोस्तों? बिटकॉइन माइनिंग का। तो ये बिटकॉइन माइनिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। लेकिन बिटकॉइंस के सार्वजनिक बही खाते में किसी ट्रांजैक्शन को अपडेट करने की जो प्रक्रिया होती है वो बिटकॉइन माइनिंग कहलाती है। मतलब इस पासबुक में जैसे एंट्री कर दिया ना, तो वही माइनिंग है, बिटकॉइन माइनिंग है, ठीक है, तो अपडेट होने की प्रक्रिया। और हर ट्रांजैक्शन, हर एक पुराने ट्रांजैक्शन की सूचना को ब्लॉक कहते हैं, और पूरे ट्रांजैक्शन की सूचना जब लेजर में हो जाती है तो उसे ब्लॉक चेन कहते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तीन बातें हैं क्या, कि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन होता है जब अपडेट हो जाता है ट्रांजैक्शन तो उसको बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं, ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कहते हैं, और ट्रांजैक्शन का जो लेजर होता है उसे हम ब्लॉक चेन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे आइए, आखिरी बात ये बताता हूँ आपको कि माइनिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। माइनिंग ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, माइनिंग का काम इस समय ये बिटकॉइन माइनिंग का। तो माइनिंग करके बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को सत्यापित किया जाता है, प्रूफ किया जाता है कि ये बिटकॉइन सही है या गलत है, और पब्लिक लेजर में इसे क्या किया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है, या कहिए आपकी ऑनलाइन इसको जोड़ने की जो प्रक्रिया है यही माइनिंग कहलाती है। और जो लोग इसको जोड़ते हैं उसे माइनर कहते हैं, ठीक है। इसी के एवज में जोड़ने वालों को एक फीस मिलती है, ठीक है, और यही उनके कमाई का तरीका होता है। तो बहुत सारे लोग बिटकॉइन माइनिंग के बिजनेस में लगे हुए हैं, ठीक है, और उन्हें फीस मिलती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इतना चीज़ मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एक अच्छे से, एक चीज़ मैं आपके दिमाग में फिट करता हूँ। देखिए, हर एक ब्लॉक की वैधता के साथ उसके साथ जुड़े प्रूफ ऑफ वर्क होते हैं, ठीक है, और यही प्रूफ ऑफ वर्क जो हम लेन देन करते हैं ये जुड़े होते हैं बिटकॉइन नोट से। तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सब कुछ सुन के, ठीक है, मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, दो मिनट मुझे समय दीजिए आप, ठीक है। देखिए, माइनिंग में होता क्या है, देखिए पहली बात तो आप अपने दिमाग में एक बार डाल दीजिए कि ये बिटकॉइंस का, जैसे मैंने नीचे एक क्वेश्चन लिखा है कि क्या बिटकॉइन का नेटवर्क को नियंत्रित कौन करता है। तो देखिए, बिटकॉइन को कोई पर्टिकुलर कंपनी नियंत्रित नहीं करती है, ठीक है, बिटकॉइन ओपन सोर्स है, ठीक है, इसको यूजर ही जो है नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए, जो यूजर होते हैं ना वो खुद ही कंट्रोल करते हैं। कैसे, बिटकॉइन का तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक आदमी, मैंने पीछे ग्राफ बनाया था कि एक आदमी जो इंडिया का है उसे पेमेंट करना अमेरिका, तो वह क्या करता है, बिटकॉइंस को कन्वर्ट कराता है, ठीक है। तो कन्वर्ट कौन करता है, तो जो लोग माइनिंग करेंगे वही लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो माइनिंग कैसे होगा दोस्तों, तो माइनिंग माने होता है कि पावरफुल सीपीयू होना चाहिए। हम ये नॉर्मल सीपीयू जो हम अपने घर पर रखे हुए हैं, ये जैसे मैं आईफोन यूज करता हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल सीपीयू से जो है हम इसको कमा नहीं सकते, इससे पैसे ना ही इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेटा होता है, जो इनक्रिप्ट करने का तरीका होता है, ये एकदम डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है। उसके लिए पावरफुल सीपीयू चाहिए, कम से कम आपके सीपीयू की जो क्षमता होनी चाहिए 4-5 सीपीयू के बराबर होनी चाहिए, तब आप थोड़ा बहुत काम कर पाएंगे, ठीक है। तो वो कन्वर्ट होता है, जब वो इनक्रिप्ट हो जाता है तो उसका जो नया डेटा बनता है वही आप सेंड करते हो, ठीक है, वही आप सेंड करते हो।
तो फिर उसी से क्या हो जाता है, पेमेंट हो जाता है। तो ये जो माइनिंग के काम में लगे हुए हैं लोग, जो लोग आपको पेमेंट देते हैं निकाल के, ठीक है, वो थोड़ी बहुत फीस तो उन्हें चाहिए चाहिए, वही फीस जो लेते हैं वो वही उनके कमाने का तरीका होता है। तो अब देखिए, अगर नॉर्मल बहुत सारे देशों में, किसी देश में लगभग सारे देशों में बैन है, लेकिन जैसे अमेरिका में कुछ कसिनो, बहुत सारे कसिनो हैं वहाँ पे, यहाँ वहाँ पे जो है बिटकॉइंस का एटीएम तक लगा है दोस्तों, ठीक है, बिटकॉइंस का एटीएम तक आपको लगा मिलेगा वहाँ पे पेमेंट करने के लिए। तो ये दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है नेटवर्क, ये धड़ल्ले से चल रहा है। और जो प्रूफ ऑफ नेटवर्क है, ये जो लोग माइनिंग करते हैं ना, वही प्रूफ करते हैं, वही लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। और इसकी जांच के लिए बिटकॉइंस एक फंक्शन यूज करता है इनका, जिसका नाम है हैश कैश, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आज जैसे आज 21 मई है दोस्तों, तो आज जो बिटकॉइन का रेट चल रहा है वो है भारत में 132,488 रुपया, ठीक है। देख सकते हैं आप एक बिटकॉइन की कीमत कितनी ज़्यादा है। और एक बात और याद रखिए कि क्या बिटकॉइन की सीमा पर कोई प्रतिबंध है, तो हाँ दोस्तों, 21 लाख बिटकॉइन खाली इशू होंगे, इससे ज़्यादा बिटकॉइन इशू नहीं होंगे, ये उसकी सीमा है, ठीक है। और एक बिटकॉइन में जो होता है दोस्तों, वो 10 लाख बिट के बराबर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में बिट होता है ना, बिट और बाइट, तो 10 लाख बिट के बराबर होता है। और बिटकॉइन को 0.8 स्थानों तक बांटा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे ये हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, रोज़ नई नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये कोई समस्या नहीं है, ये तो पेमेंट का एक इशू था जिसको मैंने आपको बताया। तो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, धन्यवाद।